जो लास्ट टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च है ये मॉडर्न डे का रिसर्च डिज़ाइन है जिसको हम कहते हैं वेब सर्वे uh, या ऑनलाइन सर्वे तो ऑनलाइन सर्वे या वेब सर्वे को हम uh, जब डिफाइन करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच क्वेश्चन द इंटरनेट और मेल टू द पीपल थ्रू ई मेल टू कलेक्ट द डेटा आ, ये जो वेब बेस सर्वे या ऑनलाइन सर्वे हैं ये हम कब यूज़ करते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना हो इन अ स्मॉलर अमाउंट टाइम पीरियड यानी आपको पॉलिटिकल ओपिनियन स्टडी करना चाहते हैं आप लोगों का आ, जो है एटीट्यूड देखना चाहते हैं अबाउट पर्टिकुलर जो है एक जो इंटरवेंशन हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से उसकी तरफ तो उसके लिए या आप ओवरऑल जो है कोई एक ऐसा बिहेवियल चेंज स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आ, ये एक सूटेबल रिसर्च डिज़ाइन है इसमें जो है आप आ, जो है स्मॉलर अमाउंट में टाइम पीरियड में जो है ज़्यादा लोगों को स्टडी कर सकते हैं मगर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि इनमें इस वेब सर्वे में या ऑनलाइन सर्वे में आप सिर्फ उनसे बात कर सकते हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जो कि डिजिटली लिटरेट हो जिन्हें कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन वगैरह चलाना आता हो और आपको उन उनकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भी हो कि आप उन लोगों को कैसे लोकेट आउट करेंगे उनका कोई ना कोई आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल हो जिससे आप एक रिस्पोंडेंट डिवरेवन अप्रोच डेवलप करते हैं यदि आप पहले एक सैम्पलिंग फ्रेम डेवलप कर लेते हैं जब लोग आपको रिप्लाई करना शुरू होते हैं तो फिर यू आस्क देम टू रिक्वेस्ट अदर पीपल एज़ वेल टू फिल दिस सर्वे तो इसको एक रिस्पॉन्डेंट ड्रिवन अप्रोच कहते हैं अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो वेब सर्वे जो है वो क्वाइट फास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सर्वेस। इसका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होता है डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं ये इसकी कॉस्ट uh, नहीं है फील्ड की है यानी अगर आप फील्ड में डाटा कलेक्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा आपको जो है एनमरेटर्स हायर करने पड़ेंगे आपको उनका जो है रेमरेशन देना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो इसमें जो है सेल्फ वॉल्ट्री पार्टिसिपेशन है तो इसमें इसकी कॉस्ट कम है तो एक्सेस टू ट्रडिशनली हार्ड टू रीच पॉपुलेशन इसमें आप जो है बहुत सारे ऐसे लोगों से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप वैसे जो है नहीं रीच आउट कर सकते फॉर इंस्टेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से आप टॉप रैंक ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों से नहीं मिल सकते तो आप उन्हें मेल कर दें उन्हें लिंक सेंड कर दें तो वो, वो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो आपको उसका जवाब दे दें और इसमें क्योंकि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो साथ ही आपकी जो है एक जो है डाटा ऑटोमेटिकली एंटर हो रहा होता है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में तो आपके जो यानी जो फ़िज़िकली डाटा कलेक्ट किया होता है उसको आपने फिर सॉफ्टवेयर में एंटर करना होता है तो उसमें एरर के एंट्री डाटा एंट्री एरर के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे वो एरर डाटा एंट्री एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं और इसी वजह से इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है कि आ लोग इसमें वॉल्ट्री ख़ुद से पार्टिसपेट करते हैं तो इसके डेटा की क्वालिटी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस uh, क्या है इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि सैम्पलिंग बायस ज़्यादा हो सकता है एज़ कंपेयर टू द फिजिकल जो टाइप्स ऑफ सर्वे हैं क्योंकि आप पर्टिकुलर रीच आउट कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को और जितको आप नहीं चाहते तो आप उनको रीच आउट नहीं करेंगे तो फिर सैम्पलिंग बायस की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है सेल्फ सेलेक्शन बायस हो सकता है कि आपको पता है कि इन लोगों से मैंने डेटा नहीं लेना ये आपके जो है रिसर्च क्वेश्चंस को जो है जो आप स्टडी कर हैं मैं भी हूँ उसमें इनका ओपिनियन आप जानते हैं तो इस वजह से आप चाहते हैं कि उनसे डाटा ना लें तो ये सेल्फ सिलेक्शन बायस है जिसकी इसमें प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है इसके टाइप ऑफ सर्वे को कंडक्ट करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है और जिनसे आप डाटा ले रहे हैं उनके पास भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है उनकी डिजिटल लिटरेसी होना ज़रूरी है यानी आप इसमें मार्जिनलाइज ग्रुप को स्टडी नहीं कर सकते दोज़ हु आर नॉट हैविंग इंटरनेट एंड दोज हु आर नॉट लिटरेट टू यूज़ दोज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ऑटोमेटिकली वो वाली पॉपुलेशन इसमें से स्किप हो जाती है और इसी वजह से इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स रेट का भी इशू हो सकता है कि जब आपने इसको ऐसी पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया हो जो कि डिजिटली लिटरेट नहीं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस जो है वो कम है तो वो ऐसी स्टडीज़ में उनका रिस्पॉन्स रेट भी कम आएगा और इसके साथ कुछ इसके टेक्निकल ग्लिचेस भी हो सकते हैं यानी आप जब सर्वे डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको कितना पता है एक प्लेटफॉर्म का कि उस पर सर्वे डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है और आपने क्या किसी टेक्निकल कंसल्टेंट को हायर किया है उस आ, मद में कि नहीं तो कुछ सम टाइम आपके पास कोई टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है वाइल्ड डूइंग वेब और ऑनलाइन सर्वे तो इस मॉड्यूल में हमने देखा कि जो ऑनलाइन या वेब सर्वे क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है